हेलो गाइज, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन B7 के महत्वपूर्ण प्रश्न। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज एंड तक बने रहना। अब चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए है आपका रेटिनोल, ऑप्शन नंबर बी है कैल्सिफेरोल, ऑप्शन नंबर सी है टोकोफेरोल, ऑप्शन नंबर डी है बायोटिन। गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोटिन। गाइज, बायोटिन जो होता है ये विटामिन B7 का केमिकल नेम होता है। रेटिनोल की बात की जाए गाइज, तो रेटिनोल विटामिन ए का केमिकल नेम होता है, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है। कैल्सिफेरोल की बात की जाए गाइज, तो ये विटामिन डी का केमिकल नेम होता है। टोकोफेरोल की बात की जाए तो टोकोफेरोल है दोस्तों, ये विटामिन ई का केमिकल नेम होता है, विटामिन ई का केमिकल नेम होता है। मैं आपको एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूँ। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है वो बायोटिन होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरोल होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। गाइज, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विटामिन B7 घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए पानी में, ऑप्शन नंबर बी वसा में, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। गाइज, मैं आपको बता दूं, जो हमारा विटामिन होता है विटामिन बी और जितने भी बी के टाइप है ये, और गाइज विटामिन सी, ये दोनों विटामिन, विटामिन बी और विटामिन बी के टाइप और विटामिन सी, ये दोनों पानी में घुलनशील होते हैं। जबकि गाइज वसा की बात की जाए तो वसा में विटामिन के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए घुलनशील होते हैं। तो गाइज, विटामिन B7 किस में आता है? बी का टाइप है गाइज विटामिन B7, तो B7 किस में घुलनशील होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर ए, पानी में घुलनशील होगा। हमारा विटामिन B7 किस में घुलनशील होगा गाइज? पानी में घुलनशील होगा विटामिन B7। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, ये किस में घुलनशील होते हैं विटामिन, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं गाइज, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए गाइज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, आपका अगला क्वेश्चन है विटामिन B7 का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए शकरकंद, ऑप्शन नंबर बी पालक, ऑप्शन नंबर सी दूध, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गाइज, यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गाइज, शकरकंद, पालक, दूध, इसके अलावा भी दोस्तों विटामिन B7 के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, मांस, मांस भी विटामिन B7 का अच्छा स्रोत है। सूरजमुखी का बीज, जो अपनी सूरजमुखी होती है, इस सूरजमुखी का बीज, सूरजमुखी का बीज भी विटामिन B7 का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा गाइज, अनाज, चॉकलेट, अनाज, चॉकलेट, अंडा, दही, ये सभी गाइज विटामिन B7 के अच्छे स्रोत है। एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूँ। विटामिन B7 के जो स्रोत है गाइज, उनमें आता है प्रमुख शकरकंद, पालक, दूध, और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे हैं, जैसे कि मांस, सूरजमुखी का बीज, अनाज, चॉकलेट, अंडा, दही, ये सारे विटामिन B7 के अच्छे स्रोत है। अब चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है विटामिन B7 की कमी से रोग होता है। विटामिन B7 की कमी से रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बाल झड़ने लग जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी गंजापन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बालों की जड़ों में संक्रमण हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गाइज, अगर आपके शरीर में विटामिन B7 की अगर कमी हो जाती है,
विटामिन B7 की अगर कमी हो जाती है तो दोस्तों आपके जो बाल होते हैं उन बालों की जड़ों में संक्रमण पैदा हो जाता है, जिससे आपके बाल झड़ने लग जाते हैं गाइज। और दोस्तों उसके साथ ही साथ में और साथ ही साथ आपके सिर में गंजापन भी हो सकता है। तो गाइज ये सभी बीमारी विटामिन B7 की कमी से होती है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को विटामिन एच भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1 को, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B2 को, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B3 को, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B7 को। तो गाइज जो विटामिन एच है, ये विटामिन एच विटामिन B7 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है गाइज? विटामिन B7 को विटामिन एच भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है गाइज, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन प्रोटीन का अवशोषण है वह ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B7। गाइज मैं पहले तो आपको बताता हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपने हमारे विटामिन की पिछली 10 वीडियो नहीं देखी है गाइज, तो अपने चैनल पे जाओ और विजिट करो, आपको पिछली 10 वीडियो मिल जाएगी। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ही क्वेश्चन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन सेशन की ओर। विटामिन ए है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी। आपको पता है विटामिन सी का कार्य क्या होता है? हमारे घाव को भरने में सहायक होता है, घाव को भरने में सहायक होता है विटामिन सी। विटामिन के क्या करता है? ये दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन डी क्या करता है? ये हमारी जो हड्डी होती है गाइस, ये जो हड्डी होती है उन हड्डियों को मजबूत वहाँ कठोर बनाने का काम करता है। तो विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और विटामिन B7 है गाइज, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों विटामिन B7 का कार्य क्या है? हमारे प्रोटीन का अवशोषण करता है और साथ ही साथ में हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया में भी मदद करता है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही छोटा भाई हो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।